आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पांचवें दिन की कथा के बारे में, जिसे माँ स्कंदमाता का दिन कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ स्कंदमाता की महिमा और उनके इस दिव्य रूप की कथा। माँ स्कंदमाता का परिचय। माँ स्कंदमाता नवरात्रि के पांचवें दिन पूजी जाती है। माँ का ये स्वरूप उनके पुत्र कार्तिकेय यानी स्कंद को गोद में लिए हुए होता है। माँ स्कंदमाता को माँ दुर्गा का मातृत्व रूप भी कहा जाता है। स्कंदमाता का ये स्वरूप ज्ञान, शांति और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है। उनकी चार भुजाएं होती हैं। एक हाथ में कमल का फूल, एक हाथ में वर मुद्रा और अन्य दो हाथों में बालक स्कंद होते हैं। माँ स्कंदमाता की कथा। माँ स्कंदमाता की एक प्रमुख कथा है जो हमें बताती है कि कैसे उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए महान कार्य किए और असुरों का नाश किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय तारकासुर नामक दैत्य ने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में अत्याचार फैलाया। उसने अपने बल से देवताओं को भी परेशान कर दिया और किसी भी तरह से उसे हराना मुश्किल हो गया। उसे यह वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि तारकासुर का अंत कैसे होगा। तब देवी पार्वती ने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। इसके बाद माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, को जन्म दिया। बालक स्कंद अद्वितीय वीरता के प्रतीक थे और उन्होंने तारकासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया। माँ स्कंदमाता का ये रूप हमें मातृत्व की ममता और उनके वीर पुत्र की बहादुरी की याद दिलाता है। माँ स्कंदमाता की कथा। तारकासुर का अंत। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी संसार में अधर्म का अंधकार फैलता है, तब माँ दुर्गा अपने किसी रूप में अवतरित होकर उसका नाश करती है। माँ स्कंदमाता अपने भक्तों को ज्ञान और साहस प्रदान करती है, जिससे वे जीवन के सभी कष्टों का सामना कर सके। माँ स्कंदमाता की पूजा विधि। आप जानते हैं माँ स्कंदमाता की पूजा कैसे की जाती है। नवरात्रि के पांचवें दिन भक्त जन विशेष रूप से माँ स्कंदमाता की पूजा करते हैं। इस दिन भक्त घरों में साफ सफाई करके माँ की मूर्ति या चित्र स्थापित करते हैं। माँ को पीले फूल और कमल अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि पीला रंग माँ स्कंदमाता को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनकर उनकी आराधना करनी चाहिए। पूजा विधि में माँ की आरती की जाती है, मंत्रों का जाप होता है और माँ को विशेष भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन का भोग विशेष रूप से केले से किया जाता है, क्योंकि माँ स्कंदमाता को केले का भोग अत्यंत प्रिय है। माँ स्कंदमाता की पूजा विधि। पीले वस्त्र और कमल का महत्व। माँ स्कंदमाता की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से जो लोग संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें माँ स्कंदमाता की पूजा से अत्यधिक लाभ होता है। माँ स्कंदमाता का आध्यात्मिक महत्व। माँ स्कंदमाता का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। उनका स्वरूप हमें ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। माँ का ये रूप ये भी बताता है कि जब हम माँ की शरण में होते हैं तो वे हमें हर प्रकार के संकट और असुरक्षा से बचाती है। स्कंदमाता का ध्यान करने से साधक को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में शांति और स्थिरता आती है। उनका आशीर्वाद साधक को मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करता है। माँ स्कंदमाता का आध्यात्मिक महत्व। जो भक्त माँ स्कंदमाता की सच्चे मन से पूजा करते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं और सभी कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। माँ स्कंदमाता की छवि चार भुजाओं वाली देवी, जिनकी गोद में बालक स्कंद बैठे हैं। माँ स्कंदमाता की पूजा करने से भक्तों को शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं और दुखों को दूर करती हैं। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के पांचवें दिन की कथा और माँ स्कंदमाता की पूजा विधि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी अद्भुत धार्मिक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।